दोस्तों, किसी भी देश के लिए उनके पास मौजूद मिसाइल, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट्स जैसे वेपन्स उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। डिफेंस सिस्टम मजबूत होने से कोई भी देश अपने राष्ट्र की रक्षा करने के साथ साथ अपने देश के नागरिकों की भी रक्षा करने में सक्षम हो पाता है। साफ शब्दों में बोला जाए तो जब किसी दो देशों के बीच जंग होती है तो उस समय किसी भी देश के लिए उसके वेपन सिस्टम अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए हर देश अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर काफी ज्यादा सतर्क, सावधान और तैयार रहता है। हर देश समय के साथ साथ अपने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने में लगा रहता है ताकि जब कभी भी जंग जैसी स्थिति बने तो वो अपने दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम भारत के एक खास हथियार के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे भारतीय वैज्ञानिक भारतीय सेना के लिए दिन रात एक करके एक से एक अच्छे और खतरनाक हथियार डेवलप कर रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिक अनेक नए नए मिसाइलों को डेवलप कर रहे हैं और बॉर्डर पर कई सारे फाइटर जेट्स को भी तैनात किया जा रहा है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने डिफेंस सिस्टम को हमेशा मजबूत करके रखें ताकि समय आने पर किसी भी वक्त हम अपने दुश्मनों का करारा जवाब दे सकें। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि चीन हर वक्त भारत के भूमि पर कब्जा करने के लिए तैयार रहता है। कभी वो बॉर्डर के पास कब्जा करना चाहता है तो कभी पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को ही अपना बताता है। हालांकि जब कभी भी चीन की सेना द्वारा कोई भी हरकत की जाती है तो बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना उनका मुंह हथौड़ जवाब देने में पीछे नहीं हटती है। और ऐसे में अगर भारतीय सेना के खेमे में और जरूरी हथियार आ जाएं तो चीन की क्या हालत होगी। तो आइए दोस्तों, आज हम भारत के पास मौजूद एक ऐसे ड्रोन के बारे में जानते हैं जिसके बारे में सुनते ही कई देशों के होश तक उड़ गए हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम भारत के पास मौजूद जिस जरूरी ड्रोन की बात करने वाले हैं उसका नाम है नाग ड्रोन। बता दें कि ये हथियार भारतीय सेना के लिए साइलेंट किलर का काम करते हैं। नाग ड्रोन एक ऐसा मिसाइल है जो बिना आवाज किए अपने दुश्मनों को तहस नहस कर देता है। इस आत्मघाती ड्रोन को दुश्मनों के घर में घुसकर मारने के लिए डिजाइन किया गया है। बता दें कि स्वदेशी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत के जरिए उठाए जा रहे कदम के तौर पर इन ड्रोन्स को डेवलप किया गया है और सेना को सौंप दिया गया है। खबर आ रही है कि भारत भविष्य के लिए इस तरह के हथियार का परीक्षण बहुत तेजी से कर रहा है। नाग ड्रोन मिसाइल 500 मीटर से लेकर 5 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाला हथियार है जो एक बार में 9 किलोग्राम वॉरहेड्स लेकर अपने साथ उड़ने में सक्षम है। इस हथियार का वजन लगभग 42 किलोग्राम है। बात अगर इसकी लंबाई की करें तो इसकी लंबाई 1.99 मीटर है। ये ड्रोन 230 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपने दुश्मनों के लक्ष्य पर प्रहार करने में सक्षम है। सैन्य सूत्रों के अनुसार वैज्ञानिकों की उपस्थिति में सेना ने एंटी टैंक मिसाइल नाग की मारक क्षमता जांची है। बता दें कि अलग अलग मौसम में नाग मिसाइल के पूर्व में भी परीक्षण किए जा चुके हैं। रक्षा मंत्रालय नाग मिसाइल को सेना के लिए खरीदने का ऑर्डर पहले ही दे चुका है। नाग के उन्नत वर्जन में इंफ्रारेड सिस्टम लगाया गया है। इसकी मदद से ये अब अपने लक्ष्य का आसानी से पहचान कर सकता है। इन्हीं सब कारणों से नाग ड्रोन की सटीकता और भी बढ़ गई है। बता दें कि जब भारतीय सेना दुश्मनों का टैंक देख ली है तो उन्हें तबाह करने के लिए नाग जैसे खतरनाक हथियार का उपयोग भी कर सकती है। दोस्तों, ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर काम करता है। बता दें कि टैंक की ऊपरी सतह उसके अन्य हिस्सों की अपेक्षा कमजोर होती है। ऐसे में ये ऊपर से हमला बोल टैंक की ऊपरी सतह में होलकर उसके अंदर जाकर विस्फोट कर सकता है। नाग किसी भी टैंक को आसानी से ध्वस्त करने में सक्षम माना जा रहा है। आइए अब इस टैंक की कुछ खासियत के बारे में जानते हैं। नाग हथियार की खासियत ये है कि ये उड़ान भरने के बाद अपने ऑपरेटर के पास दुश्मन के पूरे क्षेत्र के तस्वीर भी भेजता रहता है। इसके बाद ऑपरेटर को उस क्षेत्र में मौजूद दुश्मन के टैंकों की सटीक संख्या का पता लग जाता है और इसके आधार पर भारतीय सेना जरूरी मिसाइल दागकर उन्हें नष्ट कर देती है। नाग ड्रोन मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली और हवा से जमीन पर मार करने वाला वर्जन है।
इससे दुश्मनों के हेलीकॉप्टरों को भी दागा जा सकता है। इसकी रेंज लगभग 10 किलोमीटर है। आपको बता दें कि नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज ने नाग ड्रोन को तैयार किया है। हालांकि दोस्तों, भारत ने हाल ही में MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, और तो और इसकी जासूसी चीनी जहाज भी कर रहा था। यानी कि साफ है कि अग्नि 5 मिसाइल की ताकत को परखने और जानने के लिए चीन भी बेचैन है। लेकिन भारत ने न सिर्फ अपने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, बल्कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए हैं, जिससे पता चलता है कि आने वाले समय में भारत के पास मिसाइलों की कभी कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाग ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस ड्रोन को काफी ज्यादा कम आवाज की तकनीक से बनाया गया है, ताकि ये दुश्मनों पर आसानी से हमला कर सके और उन्हें इस हथियार की भनक तक नहीं लगे। इस हथियार के विस्फोट से लगभग 30 मीटर का इलाका एक बार में खत्म हो सकता है। नाग ड्रोन एक कम लागत वाला वेपन है, जो पैदल चल रहे सेना के लिए तैयार किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत कम लागत में इसका इस्तेमाल करके दुश्मनों का भारी से भारी नुकसान किया जा सकता है। दूसरी ओर भारत को अमेरिका से भी MQ-9B ड्रोन बहुत जल्दी ही मिलने वाली है, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जा रहा है। इस ड्रोन से भारत आसानी से चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा सकता है। फिलहाल भारत के वैज्ञानिकों ने भारतीय सेना के लिए नाग ड्रोन का आविष्कार करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। दोस्तों, नाग ड्रोन को स्वदेशी तकनीक से तैयार करना ये दर्शाता है कि भारत अब मेक इन इंडिया के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, और मेक इन इंडिया के तहत न सिर्फ भारत की सैन्य क्षमता बढ़ रही है, बल्कि भारत के अंदर मौजूद युवा वैज्ञानिकों के टेक्निक्स भी बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं। भारतीय सरकार की इस योजना के तहत कई युवाओं को जॉब भी मिल रहा है। बता दें कि इसरो DRDO ने भी पहले ही ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह के वेपन सिस्टम को तैयार करने में लगने वाले ज्यादा से ज्यादा जरूरी इक्विपमेंट्स भारतीय कंपनियों से ही खरीदेंगे, और हाल के कुछ वर्षों में भारत में स्वदेशी तरीके से अपने कई हथियार तैयार किए हैं। उसी का एक उदाहरण नाग ड्रोन भी है। वैसे दोस्तों, भारत रूस के साथ मिलकर भी कई हथियार डेवलप करने में जुटा हुआ है, जिससे ये साफ होता है कि भारत अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से गंभीर है। वैसे आपका क्या मानना है? क्या भारत का ये नाग ड्रोन, जो कि कम लागत में तैयार किया गया है, वो दुश्मनों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने में सफल हो पाएगा? नाग ड्रोन किस हद तक दुश्मनों के लिए खतरनाक हो सकता है? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की इस खास वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।